क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले तरह के जीव पानी में रहते थे? जी हाँ, इंसानी जीव धरती नहीं बल्कि पानी से शुरू हुआ था और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में हमेशा पानी ही रहता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जितना हम लोग चांद के बारे में जानते हैं उससे बहुत कम हम अपनी वाटर बॉडीज जैसे ओशंस के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का चिराग में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपको हैरान कर दें। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समुद्र से जुड़े कुछ ऐसे राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, पानी में ममी। फिलिपियन समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी जिसमें उस नाव के कैप्टन बहुत ही अजीब हालत में पाए गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लकड़ी के बॉक्स पर हाथ रख कर उस पे सर रख सोए हो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वो बॉडी सिर्फ 7 दिन पुरानी थी और वो ऑलरेडी ममी बन चुके थे। जबकि आज तक जितना हमने पढ़ा और सुना है, किसी भी लाश को ममी बनने में सालों लग जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद पानी की नमी और नमकीन होने की वजह से ही वो लाश ममी बन गई। लेकिन इतनी जल्दी कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 2, पानी के नीचे मिली इमारत। जापान के एक खूबसूरत आइलैंड के पास बने समुद्र में रिसर्चर्स को एक इमारत मिली जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रकृति की लीला है, हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कोई इमारत या मंदिर उस आइलैंड के तट पर रहे होंगे। भूकंप या कोई और प्राकृतिक घटना की वजह से वो इमारत पानी के अंदर धस गई होगी। और तो और, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि पानी के नीचे एक अलग तरह की सभ्यता है जो ऐसी इमारतें बनाती है। नंबर 3, समुद्र की आवाज। हैरान हो गए, भ्रमण की आवाज के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन समुद्र की आवाज के बारे में किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो होती है और वो आवाज है कि आप कह ही नहीं सकते कि वो किससे मेल खाती है। ओशन से जुड़ी अथॉरिटीज और रिसर्चर्स न जाने कब से इस आवाज का राज समझने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आज तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये आवाज समुद्र में मौजूद आतंकी ऑक्टोपस के गरजने की आवाज है। नंबर 4, समुद्र के झरने। जी हाँ, जैसे झरने धरती पर दिखाई देते हैं, उससे भी विशाल और सुंदर झरने समुद्र के नीचे भी मौजूद हैं। समुद्र के नीचे झरने सिर्फ कुछ ही जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर वाले पानी के तापमान पर बहुत फर्क पड़ता है। और समुद्र के नीचे होने वाले झरने के बारे में सुनकर अगर आप एक्वामैन को सच मानना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 5, समुद्र में मिली आकृतियाँ। समुद्र के नीचे अलग अलग तरह की गोल आकृतियाँ देखने को मिली है जिन्हें देखकर ऐसा सोचना कि ये किसी इंसान का काम है तो बहुत ही अटपटा सा लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक खास तरह की मेल मछली मंडला जैसा आकार समुद्र के नीचे इकट्ठी रेत पर बनाते हैं, और वो भी फीमेल मछली को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये जानने के बाद भी कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियाँ सारी मछलियाँ द्वारा नहीं बनाई गई हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कोई स्पेसशिप, तो यह काम पक्का किसी एलियन का है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 6, सी मॉन्स्टर की कहानियाँ। आज तक न जाने कितने लोगों ने समुद्र के रास्ते यात्रा की है, और उनमें से कुछ लोगों ने सी मॉन्स्टर देखने का दावा भी किया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नीचे एक खूंखार दुनिया स्थित है जो कभी कभी समुद्र के बाहर आ जाती है बस शिकार करने के लिए। जिन लोगों ने भी आज तक सी मॉन्स्टर की बात की उन्होंने हमेशा एक सांप का वर्णन किया है। उनकी कहानियों में वो मॉन्स्टर एक खतरनाक सांप की तरह दिखाई देता था। बहुत लोगों ने इन कहानियों को सुनकर कहा कि ये महज कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले विशाल समुद्र में जब मछुआरों ने एक विशालकाय सांप को देखा तो सब हैरान रह गए। तब सबके सामने आया कि सी मॉन्स्टर जैसी चीज सच में है। नंबर 7, समुद्र के नीचे मौजूद नदियाँ। सुनने में ही अजीब है ना, समुद्र तो खुद एक महासागर है, उसके नीचे एक और नदी। जी हाँ, सुनने में चाहे अजीब लगे लेकिन यही सच है। जब समुद्र में मौजूद नमक की स्टे इकट्ठी होती है तो उस पर बनती है एक नदी। इस नदी का पानी समुद्र के पानी से भी ज्यादा नमकीन होता है, इतना नमकीन कि समुद्री जीव उस नदी में जाने से भी कतराते हैं। ये तो बिल्कुल धरती पर मौजूद इंसानों की तरह हो गया। मतलब समुद्री जीवों को भी हमारी तरह एक दुनिया है जिस दुनिया में वो भी किसी तरह के पानी में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
समुद्र में मौजूद रहस्यों के जवाब हमें कभी मिल पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।